हेलो फ्रेंड्स हम जी टू पोस्टमैन की तैयारी कर रहे थे आज हम देखेंगे हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम फाइव तो अभी इसमें क्या है हमारे पास कि इसमें से दस नंबर का आएगा हमारे पास तो ये हमारे पास बहुत ही छोटा टॉपिक है इसमें से बहुत ही कम डेफिनेशन हमें हमारे सिलेबस में, हैं, जो में है जो पोस्टमैन का सिलेबस इस है इसमें सिर्फ नौ या दस डेफिनेशन है उसमें से आपका दस नंबर का आएगा तो मान के चलिए कि हर एक डेफिनेशन में से आपका एक नंबर बनता है और आपको ये बिल्कुल इतने अच्छे से कर लेना है कि आपके ये दस नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए और बाकी इसके बाद जो हमारे एम के लिए है उसमें हमारे पास ज्यादा डेफिनेशन हैं तो वो मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप एम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने सारी डेफिनेशन करनी है तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं तो अभी हमारे पास जो पोस्टल मैनुअल बोलियो फाइव है पोस्टमैन और मेल गार्ड के जो हमारे एग्ज़ाम है उसके लिए जो सिलेबस में हमारे पास डेफिनेशन हैं वो कौन कौन सी हैं सबसे पहले हमारे पास हेड ऑफ़िस की है सब ऑफिस ब्रांच ऑफिस मेल बैग फेस एंड फेसिंग बीट कैंप कोरस्पॉन्डेंस लेट लेटर्स एंड टू लेट तो सिर्फ यही डेफिनेशन है और इसमें से दस नंबर का आएगा आपका तो आपको ये बिल्कुल इतने अच्छे से कर लेनी है कि आपके दस के दस नंबर इसमें से आने चाहिए तो अभी इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है जो हमारे पोस्टमैन के सिलेबस के हिसाब से है वो है हेड ऑफिस जो प्रधान डाघर होता है तो अभी आप इसमें से कोई भी वर्ड कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे कि क्या बोल रहा है ये आप तभी इसमें से क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ घुमा फिरा के पूछे तो आपको पता ना चले तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से अगर आपने समझा होगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे जो भी हम देखते हैं हमारा जो पहली डेफिनेशन है जो हमारी पोस्टमैन के सिलेबस की है इसमें हम सबसे पहले हमारे पास हेड ऑफिस जो हमारा प्रधान डाकघर होता है तो क्या होता है हमारा प्रधान डाकघर मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप Of post प्रधान डाकर कुछ डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है जिसमें स्वयं हेड ऑफिस और बहुत से छोटे डाघर एसओ SO और बीओ होते हैं जो प्रधान डाघर के लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार में आते हैं तो अभी इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारा हेड ऑफिस होता है ये एक मुख्य कार्यालय होता है और किसका मुख्य कार्यालय होता है कुछ डाकघरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है जिसमें अभी जो समूह है उसमें कौन कौन आता है स्वयं ये हेड ऑफिस भी आता है एसओ भी आते हैं और बीओ भी आते हैं और जो समूह में इसके डाकघर होते हैं वो क्या होते हैं इसके लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार में आते हैं जो इसका अकाउंट जीरो है उसमें आते हैं मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इट सेल्फ एंड फॉर ऑल ओज एंड बी ओसन दी ग्रुप एंड एंडिटी ट्रांजेक्शन अकाउंट यह अपने और समूह के सभी उप डाकघरों और शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है और उपडाकघरों और शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन का हिसाब अपने लेखों में शामिल करता है और इसका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है जो हमारा हेड ऑफिस होता है वो होता है हेड पोस्ट मास्टर और जो हमारा डिवीजन होता है उसका सुपरिटेंडेंट होता है और जो हमारा हेड ऑफिस होता है उसका कौन होता है हेड पोस्ट मास्टर तो आपको ये भी याद रखना है उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास सब ऑफिस एसओ उप डाकघर कहते हैं जिसे पोस्ट ऑफिस सब टू एंड इन अकाउंट विद हेड ऑफिस एंड इट्स मोनिट्री ट्रांजेक्शन आर इन कॉर्पोरेटेड इन दी अकाउंट ऑफ लाटर ऑफिस यह प्रधान डागर के अधीन होता है और इसका प्रधान डागर से लेखा संबंध होता है और जिसके धन संबंधी लेन देन को प्रधान डागर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है तो जब हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं तीन प्रकार के होते हैं तीन वर्गों के हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास हेड ऑफिस आता है उसके बाद हमारे सब ऑफिस आते हैं और सबसे नीचे हमारे आते हैं ब्रांच ऑफिस तो उसमें क्या था अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा एस होता है ये होता है प्रधान डाकघर के अधीन और जो इसका अकाउंट ऑफिस होगा जो हमारा सब ऑफिस है इसका जो अकाउंट ऑफिस होगा वो भी हेड ऑफिस होगा अभी जो हमारा ब्रांच ऑफिस रह जाता है उसका जो अकाउंट ऑफिस होगा वो, वो मे वी एस और मे वी हेड ऑफिस दोनों में से कोई भी हो सकता है हेड ऑफिस भी हो सकता है और हमारा जो सब ऑफिस है वो भी हो सकता है आपको बिल्कुल याद रखना है कि ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस भी हो सकता है और सब ऑफिस भी हो सकता है बट जो हमारा सब ऑफिस है उसका जो अकाउंट ऑफिस होगा वो कौन होगा वो हमारा हेड ऑफिस होगा ऑफिसर इन चार्ज अभी जो हमारा सब ऑफिस है उसका जो ऑफिसर इन चार्ज होता है वो होता है सब पोस्ट मास्टर उसके बाद हमारा एक और आता है टाउन सब ऑफिस क्या होता है नगर उप घर क्या होता है एसोसिचुएटेड इन टाउन और इट्स वेयर दियर इज ऑल्सो हेड ऑफिस टर्म्ड एज टाउन सब ऑफिस किसी नगर या उसके उपनगरों में जहाँ प्रधान डाक भी हो स्थित उपडागर को नगर का उपडागर कहा जाता है तो जो हमारा टाउन सब ऑफिस है ये क्या हो गया कि किसी नगर या उपनगर में स्थित उप डाकघर जहाँ पर हमारा हेड ऑफिस भी हो जहाँ पे हमारा प्रधान डागर भी स्थित हो उसको क्या कहा जाएगा वहां पे जो उप होगा उसको कहा जाएगा उस नगर का उप उसके बाद आता है हमारा ब्रांच ऑफिस शाखा डाघर लोअर देन सब ऑफिस अभी हमारे पास सबसे नीचे आता है हेड ऑफिस के बाद सब ऑफिस आया उसके बाद हमारे पास आया ब्रांच ऑफिस सबसे नीचे अकाउंट ऑफिस ऑफ बी ओ मे वी एच ओ और एस SO, ओ जो हमारा ब्रांच ऑफिस है उसका जो अकाउंट ऑफिस होता है वो हेड ऑफिस भी हो सकता है और सब ऑफिस भी हो सकता है और इसका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं जिसे और टाउन ब्रांच ऑफिस क्या होता है ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन और वेर इस है है और जो टाउन होता है, ये क्या होता है? नगर या उपनगर में स्थित जहां पे हमारा हेड ऑफिस तो को क्या कहा जाएगा टाउन ब्रांच ऑफिस उसके बाद हमारे पास मेल बैग्स अब जो हमारे मेल बैग्स होते हैं डाक थैले होते हैं ये क्या होते हैं ए बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एक बैग जिसमें हमारे पास अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं लेटर मेल के उसको कहते हैं हम मेल बैग जैसे हमारे पास लेटर्स हो गए पोस्ट कार्ड्स हो गए बुक्स हो गए पैटर्न पैकेट हो गए या फिर अनरजिस्टर्ड पार्सल इसमें मेल बैग में होते हैं और जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे एनक्लोज इन रजिस्टर्ड बैग जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको रजिस्टर्ड थैलों में एनक्लोज करके भेजा जाता है जो रजिस्टर्ड थैले होते हैं उनमें ये बंद होते हैं बट भैन ए रजिस्टर्ड पैकेट बैग इज प्रेस्क्राइब्ड हैवी रजिस्टर्ड पैकेट्स आर डिस्पैच्ड इन

वहन पार्सल बैग्स आर नोट प्रेसक्राइब मेल बैग कंटेन पार्सल मेल जब पार्सल थैला ना निर्धारित किया गया हो तो डाक थैले में पार्सल डाक की वस्तुएं भी भेजी जा सकती हैं मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन बीओ एंड पोस्ट ऑफिस अदर देन इट्स अकाउंट ऑफिस तो जब भी डाक थैले एक्सचेंज किए जाते हैं ब्रांच ऑफिस में और किसी और पोस्ट ऑफिस में जो हमारा ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस ना हो मतलब कि ऐसा पोस्ट ऑफिस जो हमारे ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस ना हो विद बिच इट इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन और जो पोस्ट ऑफिस ब्रांच ऑफिस के साथ सीधे संचार में हो इट कंटेन ऑल फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल तो इसमें जो आर्टिकल्स भेजे जाएंगे जो मेल बैग में आर्टिकल्स होंगे वो फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स होंगे बट इसमें एक्सेप्शन है कि हमारे पास इसमें वैल्यू पेबल और ऐसे आर्टिकल नहीं होने चाहिए जिसमें कस्टम ड्यूटी अभी पे करनी है तो ऐसे आर्टिकल्स को छोड़कर जितने भी हमारे बाकी फुली प्रिपेड आर्टिकल्स होंगे इसमें भेजे जाएंगे जो मेल बैग एक्सचेंज होगा ब्रांच ऑफिस और किसी पोस्ट ऑफिस के बीच में अब हमारे पास इम्पोर्टेंट है टाइप ऑफ मेल बैग्स डाक थैलों के प्रकार तो ये प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे जो ब्रांच मेल बैग्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं स्टेशन मेल बैग शोटिंग मेल बैग कंबाइंड मेल बैग संयुक्त डाक थैला शंटाई डाक थैला और स्टेशन डाक थैला ये तीन प्रकार के हमारे पास मेल बैग्स होते हैं और मेल बैग्स आर यू बैग्स जो मेल बैग्स होते हैं ये हमारे अपेक्षित थैले होते हैं तो जो मैंने एम के लिए डेफिनेशन करवाई थी वहाँ पे डिटेल में बताया था कि कौन सी हमारी ड्यू मेल है कौन सी अनयूजल मेल है तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी अगर आपने नहीं देखी आप उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ लिया जाता है जैसे मेल बैग्स ड्यू बैग्स होते हैं अनयूजल बैग होते हैं ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन कैश ऑफिस एंड सब ऑफिस अब जो मेल बैग डाक थैले कैश ऑफिस जो रोकड़ कार्यालय होता है और जो उप डाकर होता है उन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान किए जाते हैं कैश बैग इन साइड ए रजिस्टर्ड बैग तो जो कैश बैग होगा वो रजिस्टर्ड बैग के अंदर रख के भेजा जाएगा दीज मेल बैग्स डिनोटेड इन ड्यू मेल लिस्ट ऑफ कैश ऑफिस और जो हमारे पास ये वाले जो भी मेल बैग होंगे जिसके अंदर रजिस्टर्ड थैले के अंदर कैश बैग रख के भेज रहे हैं रोकड़ थैला रख के भेज रहे हैं ये कैश ऑफिस में ड्यू मेल लिस्ट में इसको डिनोट किया जाएगा और जो सिंबल का यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा एफ़ का इम्पोर्टेंट है हमारे पास कि एफ़ सिंबल का यूज़ किसके लिए किया जाता है तो जो एफ सिंबल का यूज किया जाता है ऐसे मेल बैग के लिए जिसमें रजिस्टर्ड बैग है सॉरी ऐसे रजिस्टर्ड बैग जिसके अंदर आपने कैश बैग रख के भेजा है तो जब भी उसको कैश ऑफिस में ड्यू मेल लिस्ट में डिनोट किया जाएगा तो जिस सिंबल का यूज किया जाएगा वो है हमारे पास एफ उसके बाद हमारे पास फेस एंड फेसिंग मुख और सम्मुखन अब हमारे पास फेस क्या होता है मुख क्या होता है किसी भी आर्टिकल का साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटर्न तो जिस भी साइड पे एड्रेस लिखा होता है उस साइड को उस आर्टिकल की क्या कहा जाता है फेस साइड कहा जाता है उसका मुख कहा जाता है और फेसिंग क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद एड्रेस साइड अबार्ड एंड दी एड्रेस टर्न इन सेम डायरेक्शन वस्तुओं को इस तरह व्यवस्थित करना कि उनके पते वाला भाग ऊपर की तरफ आ जाए और पते एक ही दिशा में हो जाए उसको क्या कहेंगे फेसिंग सम्मुखन कहते हैं उसके बाद हमारे पास बीट गश्त भैन वीट यूज इन रिलेशन टू आर एम एस सेक्शन जब आर एम एस सेक्शन से संबंधित तो बीट शब्द का यूज किया जाता है जो रेलवे मेल सर्विस होती है तो उसका क्या मतलब होता है पोर्शन ऑफ रेलवे और स्टीमर लाइन ओवर बिच दी सेक्शन वर्क रेल अथवा स्टीमर लाइन का जिस पर अनुभाग काम करता है, उसको RMS का क्या कहा जाएगा आरएमएस एक्शन का क्या कहा जाएगा उसकी बीट कहा जाएगा और जब हम वैन टर्म बीट यूज इन रिलेशन टू पोस्टल ओवरसीज डिलीवरी एजेंट्स पोस्टमैन और विलेज पोस्टमैन और जब बीट शब्द का प्रयोग हमारे जो पोस्टल ओवरसीज़ होते हैं या हमारे डिलीवरी एजेंट्स होते हैं जो पोस्टमैन या विलेज पोस्टमैन होते हैं उनसे संबंध उनके लिए यूज किया जाता है बीट शब्द का प्रयोग तो इसका क्या मतलब होता है डिनोट द एरिया विद इन विच दे आर रिक्वायर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज गश्त शब्द उस क्षेत्र को सूचित करता है जिसमें डिलीवरी एजेंटों ओवरसीरों को अपना काम करना होता है यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे पास जो बीट होती है इसका क्या मतलब होता है तो ये दोनों ही हमारे पास बीट के ही अर, अर्थ है एक रेल अथवा स्टीमर लाइन का भाग जिस पर अनुभाग काम करता है और दूसरा जो हमारे उस क्षेत्र को सूचित करता है जिसमें डिलीवरी एजेंटों ओवरसीरों को अपना काम करना होता है उसके बाद हमारा कैंप कोरस्पोंडेंस कैंप पत्र व्यवहार Letter and other articles of correspondence addressed camp or with any other prescribed address without addition of any post on and intended for high officers on tour. दौरे पर गए अधिकारियों के लिए भेजे गए पत्र और पत्र व्यवहार की बे अन्य वस्तुएं जिन पर कैंप लिखा हो और इनके साथ किसी डाक नगर का नाम नहीं दिया हो मतलब कि विदाउट एडिशन ऑफ एनी पोस्ट टाउन सिर्फ कैंप लिख के जिस आर्टिकल को भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है कैंप कोरसपोन्डेंस कैंप पत्र व्यवहार कहा जाता है उसके बाद है हमारे लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स विलंबित पत्र और विलंबित पत्र प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस और पोस्टेड इन लेटर बॉक्स आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग द मेल बट विद इन द इंटरवल अलोड फॉर पोस्टिंग सच लेटर्स विद प्रेस्क्राइब्ड लेट फीस अ फिक्सड इन एडिशन टू पोस्टेज आर कोल्ड लेट लेटर्स तो अब क्या होता है हमारे पास कि जो डाक को बंद करने का जो उसके प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ क्लोजिंग होते हैं मेल के कि मेल को बंद करने का जो निर्धारित समय होता है उसके बाद भी एक समय दिया जाता है उसके बाद भी एक इंटरवल दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो अपने आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको निर्धारित विलंब शुल्क जो लेट फीस है वो आपको पोस्टेज के जो पोस्टेज आप चार्जेज उस पर लगाएंगे उसके साथ आपको ये भी पे करनी पड़ेगी लेट फीस भी लगानी पड़ेगी तो ऐसे आर्टिकल जिसके ऊपर ये लेट फीस लगाकर इनको ऐसे समय में ऐसे इंटरवल में इनको पोस्ट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है मेल ऑफिस या हमारे पोस्ट ऑफिस में या फिर लेटर बॉक्स में डाला जाता है जो कि मेल के क्लोज होने के निर्धारित समय के बाद आपको मिलता है तो उसको क्या कहेंगे लेट लेटर और जो टू लेट लेटर्स होते हैं इसमें क्या होता है सच सच आर्ट इन इन विद इंटरवल बट विदाउट हैविंग बीन फुली प्रिपेयर्ड विद पोस्टेज एंड लेट फीस तो जो टू लेट लेटर्स होते हैं ये भी उसी जो आपको बाद में इंटरवल मिलता है वो बाद में जो टाइम मिलता है जो डाक के क्लोज होने का निर्धारित समय उसके बाद का जो समय होता है जो आपको पोस्ट करने के लिए मिलता है बट उसमें क्या है कि आप पहले जो टू लेट लेटर्स है उसमें तो आपको जो लेट फीस है वो आपने फुली प्रिपेयर कर दी जो पोस्टेज है वो भी आपने फुली प्रिपेयर कर दी उसका पूरा भुगतान कर दिया पूरी तरह से बट टू लेट लेटर्स में ना ही आपने Uh, जो हमारी लेट फीस है उसका पूरा भुगतान किया है और ना ही जो पोस्टेज है उसका पूरा भुगतान किया है तो उसको क्या माना जाएगा उसको टू लेट लेटर माना जाएगा अति अतिविलंबित पत्र माना जाएगा और दीज आर स्टैम्प्ड डिटेन्ड लेट फीस नोट पेड और ऐसे जो आर्टिकल्स होंगे इनके ऊपर स्टैंप लगाई जाएगी एक स्टैंप होती है जिसके ऊपर लिखा होता है डिटेन लेट फीस नोट पेड एंड डिटेन्ड इन दी नेक्स्ट डिस्पैच टिल uh, नेक्स्ट और इसको तब तक रोक के रखा जाता है जब तक कि अगली बार मेल का प्रेषण ना हो नेक्स्ट डिस्पैच तक इसको वहीं पे रोक के रखा जाता है उसके बाद हमारे मिस सेंट आर्टिकल्स मिस सेंट आर्टिकल्स क्या होते हैं आर्टिकल्स विच हैव बीन एरली फॉरवर्डेड टू ए पोस्ट ऑफिस अदर देन ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन और बाई ए रूट अदर देन प्रेस्क्राइब्ड वन जो किसी कार्यालय द्वारा गलती से उसके गंतव्य कार्यालय की बजाय किसी अन्य कार्यालय को या निर्धारित मार्ग के स्थान पर किसी अन्य मार्ग को भेज दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है मिस सेंट आर्टिकल्स आपके पास भी बहुत सारे मिस एंड आर्टिकल्स आते होंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस में आ, कहीं एसओ में लगे होंगे तो मिस सेंड आर्टिकल्स आते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि वो मिस सेंट होते हैं कि उनको गलत जगह पे भेज दिया है ठीक है जहां पे उनको जाना था वो वहां पे गए नहीं किसी और जगह पे आ गए हैं या उनको गलत रास्ते से भेज दिया उसको क्या कहते हैं आप मिस सेंड आर्टिकल्स उसके ऊपर आप लिखते हुए होंगे मिस सेंट है ना तो ये होते हैं हमारे मिस सेंट आर्टिकल्स और जो मिस डायरेक्टेड आर्टिकल होते हैं इनकरेक्टेड डेस्टिनेशन हैज रिटर्न इन इंग्लिश ऑफ पोस्टिंग प्रेषण कार्यालय द्वारा गंतव्य स्थान का अंग्रेजी में गलत नाम लिख दिया गया हो तो वह वस्तु गलत पत्ते पर भेजी गई वस्तु कहलाती है तो ये तो ऑब्वियसली है कि जब भी अगर आप किसी लेटर के ऊपर गलत एड्रेस लिख देंगे इंग्लिश में आपने उस पर गलत एड्रेस लिख दिया तो वो गलत जगह पे चली जाएगी बट ऐसे आर्टिकल को मिस डायरेक्टेड आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये तो उसी जगह पे जाएगी जो उसके ऊपर डेस्टिनेशन लिखा है बट अभी जो डेस्टिनेशन लिखा है वो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के द्वारा लिखा गया है तो वो तो पहले ही गलत है तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाएगा मिस डायरेक्टेड आर्टिकल गलत जगह भेजी गई वस्तु उसको कहा जाएगा और जो दूसरी हमारी मिस एंड आर्टिकल वो होता है कि गलती से किसी जगह पर चली गई तो ये हो गए हमारे मिस और मिस्टेक्टेड आर्टिकल तो ये थे हमारी कुछ एक डेफिनेशन जो पोस्ट मैन के सिलेबस की हैं सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है और इसमें से दस नंबर का आएगा तो आपको ये दस नंबर बिल्कुल लेने हैं इसमें से आपके दस में से दस नंबर ही आने चाहिए तभी आपको इसको करने का अच्छे से फायदा है क्योंकि यही टॉपिक है इसमें से दस नंबर का आपका आ जाएगा तो बहुत ही छोटा टॉपिक है तो इसमें से तो आपके दस नंबर आने ही चाहिए ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू